मरियम नौसाफ़, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। जब वो आएंगे मैं उन हम उनके ऊपर दिल खोल के फूलों की बरसात करेंगे, उनको अच्छा से इस्तकबाल देंगे। और 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी भी मुझे बुखार है। कल रात मुझे ड्रिप लगी है और अभी भी मैं बुखार हूँ, फिर भी मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ग्रेटर इकबाल पार्क में मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीनार पाकिस्तान के आते में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर इस्तकबालिया जलसे का इंतजाम किया गया है। इधर जहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन मौजूद है, वहीं पर उनकी एक नन्नी मुन्नी फ़ैन मौजूद है, आए उसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। इतनी तैयार हो के आप आई हुई हैं और इस तरह मियाँ साहब के? जी बिल्कुल। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का आपने पोस्टर उठाया हुआ है, तो आप पसंद करती हैं? बहुत ज़्यादा मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, दिल और चाहत से। जब वो आएंगे मैं उन हम उनके ऊपर दिल खोल के फूलों की बरसात करेंगे, उनको अच्छा से इस्तकबाल देंगे। और 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी भी मुझे बुखार है। कल रात मुझे ड्रिप लगी है और अभी भी मैं बुखार हूँ, फिर भी मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलने आई हूँ। बुखार में आप आ गए? जी बिल्कुल, बेशक बारिश हो रही हो, आंधी, जो मर्जी हो, हम लोग मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ मिल के रहेंगे। मरियम नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मैं आपके बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आपके पास आऊँ और बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। मैम इतनी तैयार हो के आप भी आई हुई हैं, ये सब आए हुए हैं, ऐसे कोई ईद का समा सा बनाया हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे मुस्लिम लीग नून एन के लिए हमारे लिए ईद है और हम सब उनकी एक्साइटमेंट में इसलिए आए हैं कि वो 4 साल की मुशक्तियों से, बहुत मुश्किलात को फेस करने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। हम उनको पुरजोश वेलकम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी एक्साइटमेंट के साथ, हम सब उनको, अपनी हम सब फैमिलीज उनको मोस्ट वेलकम करें। अच्छा, इनकी भी वालदा इधर ही मौजूद है, 3rd जनरेशन आई हुई है, लगता है पूरी जनरेशन आई हुई है। ये जो मियाँ साहब का प्यार है, ये विरासती है या खानदानी है? आप क्या कहते हैं? खानदानी है। मेरे वालिद साहब भी उनके से बहुत प्यार करते थे, आगे से उनकी औलाद भी बहुत करती, मेरे भाई भी, मैं भी, और हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है कि वही आएँ और वही पाकिस्तान के काबिल है, पाकिस्तान उनके काबिल है। सबके लीडर आ रहे हैं और सब अपनी वो खुशी के इजहार के लिए, अपना हर यूनियन काउंसिल से हमारे खवातीन आ रही हैं, लेडी काउंसिल, सब लोग वो अपने आप को एक कलर में परफॉर्म करके मतलब एक यूनिक करने के लिए वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये यूनिक, हर यूनियन काउंसिल को आपने यूनिक कलर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करके बना के आ रहे हैं खुशी में। अच्छा, तो ये किस यूनियन काउंसिल से आई? अभी ये रोजीना से अब लेके आई हैं, ये हैं। आप किस यूनियन काउंसिल से? 213 से। बड़ा प्यारा कलर आपने चूज किया, पिंक कलर, लेडीज के लिए यही अच्छा लगता है, लेडीज के लिए अच्छा है। मरियम साहिबा भी, उनको पैगाम दें आज उनको। जी, उनके लिए ये पैगाम है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां सब आपके साथ खड़ी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना रहेंगे और नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा।